बिकॉज यू कैन नॉट ब्रिंग द साउंड ऑफ हेवन ऑन द अर्थ. और परमेश्वर की वाणी को आप स्वर्ग में नहीं, धरती में नहीं ला सकते. हालेलुया. व्हेन यू बिगिन टू लिव इन द ग्लोरी, जब आप परमेश्वर की महिमा में रहने लगोगे, टू थिंग्स आर चेंज, दो चीजें जो बदल जाती है, द पोजिशन ऑफ योर प्लेस, आप जिस जगह पे रहते हैं उसके पोजिशन, एंड द पोजिशन ऑफ हाउ यू सी, जिस जो स्तर से आप देख रहे हैं, ओके, द पोजिशन ऑफ वे यू आर फ्रॉम, वे यू ऑपरेट फ्रॉम, जो जगह पे आप बैठे हैं जहाँ से आप प्रार्थना कर रहे हैं, एंड द पोजिशन फ्रॉम वे यू सी, और जहाँ से आप देख रहे हैं. आमेन. हालेलुया. आर यू गेटिंग मी? द पोजिशन इन द ग्लोरी, टू थिंग्स चेंज, महिमा में दो चीज बदलता है, जहाँ से आप, जहाँ आप रहते हो, आमेन, और जहाँ से आप देखते हो. हालेलुया. इन प्रेयर, इन ग्लोरी. हालेलुया. आमेन. व्हेन वी वॉक इन द अर्थली रियल, जब हम संसारिक पथ में चलते हैं, व्हेन सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स कम, जब परिस्थितियां हमारे सामने आती है, वी गेट वरीड, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, वी वांट टू नो व्हाट टू डू नाउ, हम घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं, वी डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है, वी गेट सो वरीड, हम बहुत चिंता में आ जाते हैं, व्हेन चिल्ड्रन फॉल सिक, बच्चे बीमार होते हैं, वी गेट वरीड, बहुत चिंता में आते हैं. यू नो व्हाई? क्यों? बिकॉज वी आर इन द पोजिशन ऑफ द अर्थली रियल, क्योंकि हम संसारिक बातों के अंदर होते हैं. बट व्हेन आवर पोजिशन इज इन द ग्लोरी, जब हमारा जो ठिकाना है, जो हम पर महिमा के अंदर होते हैं, व्हेन आवर पोजिशन चेंजेस, जब हमारा ठिकाना बदल जाता है, व्हेन वी आर सीटेड इन दैट हेवनली रियल, जो स्वर्गीय स्थान में हम रहते हैं. हालेलुया. द वे वी सी चेंजेस, हमारा नजरिया जो है वो बदल जाता है. नाउ वी सी फ्रॉम अ हायर रियल, हम ऊंचाई की ओर से देखते हैं. नाउ वी सी फ्रॉम अबाउ, हम ऊपर की ओर से देख रहे हैं. वी सी द सोल्यूशन बिफोर द प्रॉब्लम कम्स, हम पहले से प्रॉब्लम के से उपाय हमको मिलने लगता है. बिकॉज वी आर, कम हियर, कम स्टैंड विद मी. हालेलुया. कम स्टैंड क्लोज. ओके, नाउ दिस इज अ पोजिशन, पोजिशन ऑफ द अर्थ, ये संसार का एक एक ठिकाना है. हालेलुया. दिस इज अ पोजिशन ऑफ द अर्थ, संसारिक चीजों का एक ठिकाना है यहाँ पे. बट नाउ आई गेट सेव, अब वो आई गेट सेव, बच जाती है. आई रिसीव सल्वेशन, उद्धार हो गया उनका. कम टू नो जीसस, अब वो उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है. नाउ नो मोर फ्लैश, अभी कोई संसार की बातें, शारीरिक चीजें नहीं है. आई एनकाउंटर द ग्लोरी, क्योंकि मैंने उसकी मुलाकात कर ली है. See, now, I want to tell you something. I encountered the glory. मैंने महिमा को पा लिया है. I want to tell you something before this. When a woman is pregnant, जब एक गर्भवती, एक औरत गर्भवती होती है, on the 21st week, और 21वां जो महीना हफ्ता लगता है, okay, the 21st week, 21 हफ्ते में, something happens to the fetus, कुछ तो उस गर्भाशय में कुछ होता है. The heart is formed within the 21 weeks, और जो हृदय जो है बच्चों का, जो heart है, वो उस 21 हफ्ते के अंदर वो फॉर्म पूरा बन जाता है. एंड द मदर गोज टू डू अ सोनोग्राफी, और जब माँ जाती है सोनोग्राफी करने के लिए वो, ओके, एंड द फर्स्ट टाइम, और जो पहली बार, व्हेन शी हियर्स दैट साउंड, और जब वो उस आवाज को सुनती है, हालेलुया, व्हेन शी हियर्स दैट साउंड, वो पहली बार उस आवाज को जब सुनती है, हार्ट का धड़कना, हालेलुया, हाँ, the child, the fetus in the womb, जो बच्चा जो उस गर्भाशय में है, begins to communicate with the mother, ओ माँ से वो एक वार्तालाप करने लगती है. Hallelujah. The fetus in the womb, वो जो गर्भाशय है, जो गर्भ के अंदर, begins to communicate with the mother, ओ माँ से बातें करने लगती है. Hallelujah. Because they have the same DNA, और DNA उनका सेम है. Now look at this, अब देखिए. Now when, जब I get born again, जब मैं नया जन्म लेती हूँ. Hallelujah. When I get born again, हम जब नया उद्धार होता है हमारा, the Lord puts his seed in me, प्रभु उसका बीज उसके अंदर डालता है. Now I'm not just born of flesh, और हम सिर्फ शरीर से जन्मे नहीं है, but I am born of spirit, हम आत्मा में जन्मे हैं. Spirit to spirit, आत्मा से कनेक्टेड हैं हम. Spirit to spirit, आत्मा से एक दूसरे से. So when spirit to spirit is connected, बस आत्मा से लेकर हम करें, there is a change begins to take place, बदलाव होती है. Because now I'm not in the earthly realm, क्योंकि मैं संसारिक चीज अंदर सर में नहीं हूँ. Now I am in the heavenly realm, मैं ऊंचाई के ऊपर स्वर्गीय स्थान, seated in the heavenly place, स्वर्गीय स्थान में बैठी हूँ. Now it's no longer the DNA of a mother and daughter, और फादर, माता पिता का कोई डीएनए मेरे अंदर अब काम नहीं हो. नाउ इट इज गॉड द फादर्स डीएनए, वो पिता परमेश्वर का जो डीएनए मेरे अंदर, एंड माय डीएनए, और मेरा जो डीएनए, द फादर्स डीएनए, पिता का जो डीएनए, इज इन मी, और वो मेरे अंदर है. नाउ वी हैव अ स्पिरिट टू स्पिरिट
कनेक्शन हमारे अंदर आत्मा से आत्मा लेन है. आर यू गेटिंग गॉड द फादर ऑल दैट ही हैज परमिशन कम्स विद मी जो भी है उसके पास बिकॉज आई एम सीटेड हम दोनों बैठे हैं. Hallelujah, in the heavenly places. स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं. So whatever is of God, और जो कुछ परमेश्वर का है, is in me. वो मेरे अंदर है. Now wherever I go, जो भी जहाँ भी मैं जाऊँ, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है. Wherever I go, जहाँ जहाँ हम जाएंगे, even if I go in darkness, अगर अंधकार में भी चले, He is with me. वो मेरे साथ है. Hallelujah, if I go in the worst area, बदतर से बदतर जगह में हम जाएं, He is with me. Because I am walking with Him. क्योंकि मैं उसके साथ चल. Because I have His DNA. Amen. I have everything of His in me. Hallelujah. Hallelujah. Because I have begun to pursue the glory of God. I have understood one thing. मैं एक चीज को समझ गई हूँ. The moment I am born again. जब मेरा नया जन्म उद्धार हुआ. I am not called to be on the earth. मैं संसार में रहने के लिए नहीं बुलाई हूँ. I am not a hen eating worms. मेरे अंदर ये यहाँ संसारी मैं मुर्गी नहीं हूँ कीड़ा खाने के लिए. Yes. Hallelujah, I am an eagle. मैं एक काप की तरह. I'm called to soar high. मैं ऊंचाई पे उड़ने के लिए मुझे. Hallelujah. Hallelujah. I can fly so high. Yes. मैं और ऊंचे उड़ सकती हूँ. Then I cross the snake lines. क्योंकि मैं उस और उसको पार. Snake lines. Snake lines. जो सांप का जो line रहता है. Okay, I'll explain to you what the snake line. A snake line is like you know what a snake. You take the snake for example. If an eagle takes a snake, okay. अगर वो जो सांप है वो कोई ओके टू सर्टेन लेवल इट्स अलाइव थोड़े समय तक वो जिंदा रहता है बट इट कम्स टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन एनीमोर नाउ और जब ऐसे जगह पे आते हैं वहाँ पे कोई हवा वहाँ पे नहीं होता है देयर इज नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होता है एंड इट डाइज डाउन देयर और उसी समय उसका मौत उसका मरण होता है वो हालेलुया हालेलुया He has no life, he's paralyzed now. कोई जीवन नहीं बचता है. So you live in the realm of the heavens. और जो स्वर्गीय स्थान में आप रहते हैं. You when you operate from there. और जब उस जगह से आप ऑपरेट करते हैं. Tell me one thing, can any demon touch you? क्या कोई तुम्हें छू सकता है? Hallelujah. कोई दुष्ट तुम्हें छू सकता है? From that realm, when you go to the territory of the devil, can he touch you? क्या उस स्थान से लेके जब आप नीचे के ओर आएंगे तो कोई तुम्हें दुष्ट आपको छू सकता है? Hallelujah. Are you getting me what I'm saying? क्या We need to begin to live from that realm there. Amen. जब वहाँ ऊंचाई ओर से हमें चलना शुरू करना है. Hallelujah. There is Hallelujah. When you sit with the, you know, when you sit with Jesus in heaven, I tell you. और यीशु मसीह के साथ हम जब वहाँ स्वर्ग में बैठते हैं. There is new revelations. वहाँ पे नए नए प्रकाशन मिलते हैं. There's new dimensions. और नए नए जगह हमें मिलता है. Hallelujah. And every time you encounter Him. जब भी हम उसकी मुलाकात हम करते हैं. Something new is released. कुछ ना कुछ नया होता है. Something new is opened up. कुछ कुछ नया नया चीजें हम देखते हैं. And you get habituated. हम उसके आदत से बन जाते हैं. To live in that realm. स्तर पे रहने यू नो नो वॉन्ट टू लिव योर हम इस जगह में नहीं रहना चाहते बट यू ऑपरेट फ्रॉम देयर फ्रॉम वहां स्वर्ग स्थान से हम ऑपरेट एंड यू बिगिन टू परस्यू हिम मोर एंड मोर एंड मोर और उसकी खोज में हम ज्यादा से ज्यादा लगे रहते हैं टिल यू जब तक बिकम जब तक द फुलनेस ऑफ व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू परमेश्वर का जो पूरा कंप्लीट फुल परिपूर्णता मिलती है हालेलुया हालेलुया हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू How many of you say that from today onwards, I don't want to live in this realm, but I want to live in that realm. You know, when you live in that realm, when you operate from there, I tell you, breakthrough after breakthrough after breakthrough. हमें बहुत ज़्यादा बेदारी की ओर हम चलते रहेंगे जब भी हम वहाँ से ऑपरेट करेंगे. Hallelujah. Today is just the first day. आज सिर्फ पहला दिन है. You want to see later what is going to happen in the coming days. आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? Hallelujah. Because I'm going to share the revelations of heavens with you all. और प्रकाशन देंगे बहन अपने स्वर्गीय स्थान के बारे में. Hallelujah. The encounters that I've got with the Lord, I will share it with you all. जो जो बातें सिस्टर ने महसूस और मुलाकातें की हैं यीशु मसीह के साथ. वो सब बातें आपको बताएगी बिकॉज द लॉर्ड गेव मी 60 डेज ऑफ एनकाउंटर और 60 दिनों का जो ये मुलाकात उन्होंने किया है इन 60 डेज दैट द लॉर्ड टुक मी टू हेवन और जो 60 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर को
उसने जो करीब से देखा है the dimensions of the glory, जो कुछ महिमा के बारे में वो जो उन्होंने देखा है Hallelujah, I'm going to impart it to you, और वो सब आपके अंदर वो देंगे Hallelujah, and I will teach you, और हम सिखाएंगे that you would get such encounters, कि आप भी उस मुलाकात में आपको भी वो चीज मिले Hallelujah, let's just stand to our feet and pray right now. Hallelujah. Hallelujah.